नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के आदेश अनुसार सत्र के दौरान गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्राप्त अनुभवों एवं उपलब्धियों को समाज एवं अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्सव प्रदर्शनी के माध्यम से सृजन 2023 नामक कार्यक्रम मंगलवार को पवई के सीएम राइस शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा किलोग्राम से लेकर के 8 तक के 200 बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे नियमित उपस्थिति, संपूर्ण होमवर्क, वेशभूषा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का अभिभावकों एवं आम लोगों के सामने प्रदर्शन किया। तत्पश्चात सभी को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह बुंदेला, पत्रकार गण, विद्यालय के समस्त शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। पवई से राम सिंह की रिपोर्ट। इसके लिए हमारे सामने शिक्षा का एक नया पहचान होना चाहिए और बहुत शोध के बाद हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में एक नई, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ किए गए हैं, इनके सत्र के 7 माह पूरे होने पर आज हमारे बच्चे यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमने क्या क्या सृजित किया है। अपनी उपलब्धियों को उन्होंने प्रदर्शित किया और मैं सोचता हूँ कि हमारे बालक उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अपनी शिक्षा को बढ़ा रहे हैं।